हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप उनसे वाकिफ़ हैं, जलीदुल क़दर सहाबी हैं। एक मरतबा वो सफ़र कर रहे थे, सहरा में कहीं जा रहे थे, उनके शागिर्द या उनके जो मुतअल्लिक़ीन थे वो भी साथ थे। चलते चलते सहरा में एक बदवी उनके सामने आया, एक सहराई था, वो उनके सामने आया। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने जब उस सहराई को देखा तो फौरन अपनी सवारी से नीचे उतरे, जो उनकी चादर थी वो उसको पेश की और फरमाया कि ये आप ले लीजिए और इसके ज़रिए अपने सर पर साया करें, सहरा में गर्मी होगी, धूप होगी। अपनी सवारी भी उसको पेश की और उसका बहुत ज़्यादा इकराम किया। तो जो साथ वाले थे वो बड़े हैरान थे और किसी ने बाद में सवाल भी किया कि ये बदवी लोग तो थोड़े से तोहफे से खुश हो जाते हैं, आपने इनको बहुत सारा दिया, इसकी क्या वजह है? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फरमाया कि ये शख्स मेरे वालिद उमर के ताल्लुक़ वालों में से था, तो मैंने अपने वालिद के ताल्लुक़ की वजह से इसके साथ इस हुस्न सुलूक का मामला किया है। यानी अपने वालिद के दुनिया से चले जाने के बाद उनके जो ताल्लुक़ वाले हैं उनके साथ मैं अच्छा रवैया रख रहा हूँ। एक मरतबा एक बड़े सहाबी तशरीफ़ लाए तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर बाकायदा उनकी मुलाकात के लिए चल कर तशरीफ़ ले गए और वहाँ मुलाकात करने के बाद उनसे फरमाया कि मैं किसी और हाजत से आपके पास नहीं आया, बस सिर्फ इसलिए आया हूँ कि आप मेरे वालिद उमर के ताल्लुक़ वालों में से थे, तो मैं अपने वालिद के हक़ की अदायगी के लिए आपकी मुलाकात के लिए आया हूँ। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि अगर आपका वालिद या आपके कोई और रिश्तेदार दुनिया से चले जाते हैं तो उनके हुकूक की अदायगी की जो और तरीक़े हैं कि उनके लिए दुआ की जाए, उनके लिए साले सवाब किया जाए, वहाँ उनके हक़ की अदायगी का एक तरीक़ा ये भी है कि उनके जो दोस्त अहबाब थे तो उनके साथ अच्छा रवैया रखा जाए और इस तरह अपने मरहूम रिश्तेदार के हक़ की अदायगी की फ़िक्र की जाए।